इस वीडियो में हम एक बहुत ही क्रिटिकल इशू के ऊपर बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे यूजर्स को माइट बी पॉसिबल कि ये इशू ना पता हो, जो कि कहलाता है सॉल्व ऑर्डर। तो जब कभी भी हम पिवट टेबल्स को क्रिएट करते हैं, तो पिवट टेबल्स में आपने अगर कभी कैलकुलेटेड आइटम्स को क्रिएट किया हो, तो जितनी कैलकुलेटेड आइटम्स आप क्रिएट करते हैं कॉलम वाइज और रॉ वाइज, और उसमें अगर कुछ परसेंटेजेस की कैलकुलेशन ऐड करते हैं, तो सॉल्व ऑर्डर को एक ऑर्डर सीक्वेंस में रखना बड़ा क्रिटिकल है। और अगर हम ये ना करें तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में उसको हाईलाइट करूँगा, ठीक है। तो एक डेटा आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जिसके तीन कॉलम्स हैं, रीजन, स्टेटस और पॉलिसीज, ठीक है। रीजन में हमने कुछ रीजन्स को ऐड कर दिया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल एंड वेस्ट, पांच रीजन्स हैं हमारे पास। और अकॉर्डिंग टू दैट उसके आगे एक और कॉलम है स्टेटस का, कि किस रीजन में जो पॉलिसीज हैं वो कैंसिल हो गई हैं और कितनी तादाद में हो गई हैं, उसका काउंट जो है वो थर्ड कॉलम के अंदर मौजूद है। कितनी पॉलिसीज हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, और न्यू पॉलिसीज हमारे पास कितनी मौजूद हैं रीजन वाइज, ठीक है जी। तो इस डेटा को हम क्विकली पिवट टेबल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करूंगा, और पिवट टेबल आई होप आपको क्रिएट करना आता होगा। तो अगर नहीं भी आता तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इंसर्ट के टैब में आपके पास लेफ्ट साइड पर पिवट टेबल का एक ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। और आइदर यू कैन यूज शॉर्टकट कीज एज वेल। तो डेटा आपने सेलेक्ट करना है, और इसके बाद पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देना है। सो यू विल गेट अ न्यू शीट दैट इज फॉर द पिवट्स, टू क्रिएट द पिवट्स। अब हम इस पिवट टेबल पे कुछ थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। लेट सपोज कि मैं स्टेटस की फील्ड को ड्रैग करके रॉस पर रखता हूँ, रीजन वाइज मुझे देखना है तो मैं उसको कॉलम्स पे प्लेस कर देता हूँ, और पॉलिसीज जिसके अंदर हमें पता है कि काउंट दिया हुआ है, उसको मैं वैल्यूज के एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब मेरे पास हर रीजन की स्टेटस वाइज काउंट ऑफ पॉलिसीज मुझे इस पिवट टेबल में पता चल रही हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एनालिसिस भी करेंगे, एक फॉर्मूला भी क्रिएट करेंगे, यानी हम इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से पिवट टेबल में आप कैलकुलेटेड आइटम को इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सॉल्व ऑर्डर को कैसे ठीक किया जाए, अदरवाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, और यही मकसद है इस वीडियो को क्रिएट करने का। अच्छा जी, ग्रैंड टोटल्स की लेट सपोज अगर नीड नहीं है हमें, तो वी कैन टर्न ऑफ दैट ग्रैंड टोटल्स एज वेल। हाउ वी कैन डू दैट, डिज़ाइन का टैब, व्हेन यू इनसाइड द पिवट टेबल, आप एक्टिवली पिवट टेबल के एरिया में जब मौजूद होते हैं, तो ऑन टॉप आपको इस दो रिबन्स आपको नज़र आते हैं। और क्योंकि मैं एक्सेल 2019 लेटेस्ट वर्जन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऊपर दो टैब्स का नाम है, पिवट टेबल एनालाइज और दूसरा है डिज़ाइन, ठीक है। सो डिज़ाइन टैब में मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर लेआउट का एक ग्रुप मौजूद है। इस लेआउट के ग्रुप के अंदर ग्रैंड टोटल्स का एक ऑप्शन है, फीचर अवेलेबल है, और मैं सबसे पहला ऑप्शन है ऑफ फॉर रॉज एंड कॉलम्स। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ग्रैंड टोटल्स कॉलम वाइज और रॉ वाइज जो है वो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। लेटर ऑन आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम नंबर्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, नंबर्स की रेंज को सेलेक्ट किया, और होम टैब में जाके कॉमा फॉर्मेटिंग सेट कर दी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लेट सपोज आपके मैनेजर की तरफ से आती है कि इस वक्त हमें इस पिवट टेबल में पांच रीजन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और पॉलिसीज के तीन डिफरेंट स्टेटस हैं, कैंसिल, एग्जिस्टिंग और न्यू, सही है। अब वो ये चाह रहे हैं कि आप दो मज़ीद रीजन्स बनाएं और क्लब कर दें, ठीक है। कैसे, पहली रिक्वायरमेंट अगर लेट सपोज वो कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक रीजन को नहीं देखना, तो ये मैं अगेन कुछ और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स भी ऐड कर रहा हूँ पिवट टेबल में। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं सेंट्रल रीजन को हमें नहीं देखना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे, और यहाँ जब इस मेन्यू के अंदर सेंट्रल जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो सेंट्रल यहाँ से डेफिनेटली हाइड हो जाएगा, ठीक है, एक्सक्लूड हो जाएगा। अब हमारे पास चार रीजन्स मौजूद हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। अब कहा ये गया, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन ये आता है कि हमें एक और कॉलम क्रिएट करना है जिसका नाम हो नॉर्थ ईस्ट और एक हो साउथ वेस्ट, ठीक है, जिसका टोटल मुझे नज़र आए। अभी नॉर्थ और ईस्ट अलग अलग कॉलम में मौजूद है, मुझे इसको क्लब करके एक पर्टिकुलर एक और कॉलम इंसर्ट करना है विद इन दिस पिवट टेबल। तो वो कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए आपको
एनालाइज के टैब में जाना होगा और वहां पर आपके पास कैलकुलेशंस का एक ग्रुप होता है, ठीक है। उस कैलकुलेशंस के ग्रुप में सबसे पहला जो ऊपर फीचर है दैट इज कॉल्ड फील्ड्स आइटम्स एंड सेट्स, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कॉन्टेक्चुअल मेन्यू ओपन हो जाएगा और उस मेन्यू के अंदर आपके पास ऑन टॉप है कैलकुलेटेड फील्ड और फिर सेकेंड है कैलकुलेटेड आइटम। तो अभी आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटेड आइटम की बात कर रहे हैं और इस वक्त आप देखें तो कैलकुलेटेड आइटम इस वक्त ग्रे आउट है। इसकी एक वजह है, जब भी आपको पिवट टेबल्स के अंदर कैलकुलेटेड आइटम्स क्रिएट करनी होती है तो आपको उनके हेडर्स पे एक्टिव रहना पड़ता है, यानी आपका जो एक्टिव सेल है वो हेडर पे होगा, ठीक है। तो मैं किसी ना किसी रीजन के हेडर पे मौजूद हूँ और अब मैं अगेन जाऊँगा एनालाइज के टैब में और क्लिक करूँगा कैलकुलेटेड आइटम। तो देखें ये फील्ड इनेबल हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कॉलम वाइज या रॉ वाइज कैलकुलेटेड आइटम क्रिएट करनी है तो आपको वैल्यूज के सेक्शन में नहीं होना चाहिए, आपको किसी ना किसी हेडर पर मौजूद होना चाहिए, चाहे वो कॉलम वाइज भी हो सकता है या रॉ वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेटेड आइटम की फील्ड एक्टिवली नजर आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्रिएट करते हैं, अब हम एक और कॉलम इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड आइटम, जिसमें हम उसका नाम देंगे नॉर्थ ईस्ट और एक कॉलम ऐड हो जाएगा। सो आई विल क्लिक ऑन कैलकुलेटेड आइटम और यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले हमें नाम डिफाइन करना है तो इसका एक नाम डिफाइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और फिर एक फार्मूला ये कह रहा है कि आप यहाँ क्रिएट करें तो सिंपली हमें दो रीजन्स को प्लस करना है। तो आप देखें आइटम्स देख रहे हैं, आपके पास दो सेक्शंस है, एक तो फील्ड्स है और दूसरा है आइटम्स, कि जनाब इस पर्टिकुलर रीजन की फील्ड के अंदर कितने आइटम्स मौजूद है, वो यूनिक लिस्ट आपको शो कर रहा है। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे नॉर्थ और ईस्ट को ऐड करना है, तो मैं नॉर्थ पे डबल क्लिक करूँगा, वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा फार्मूला बार में, और प्लस की साइन ऐड करूँगा फॉर द एडिशन, ठीक है। और ईस्ट पे डबल क्लिक करूँगा तो मैंने क्या किया, एक कैलकुलेटेड आइटम क्रिएट कर दी, ठीक है। और अब मैं ऐड के बटन पे क्लिक कर दूँगा, ये आइटम ऐड हो गई और मैंने ओके प्रेस कर दिया। जैसे आपने ओके प्रेस किया तो आपके पास एक नया कॉलम आ गया नॉर्थ ईस्ट के नाम से, जिसमें आपको सम मिल रहा है ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ रीजन, ठीक है। नेक्स्ट एक और कॉलम क्रिएट करते हैं जो कि साउथ वेस्ट के नाम से होगा। तो अगेन हम सेम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, एनालाइज के टैब में कैलकुलेटेड आइटम। अब देखें कैलकुलेटेड आइटम यहाँ एक्टिव नहीं है, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था आपको हेडर पर रहना पड़ेगा और फिर ये कैलकुलेटेड आइटम इनेबल हो जाएगा। तो हम नाम दे देते हैं साउथ वेस्ट, नए कॉलम का नाम होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा जी, साउथ प्लस वेस्ट, ठीक है। और ऐड पे क्लिक कर देंगे और ओके करके इस विंडो से बाहर आ जाएंगे तो आपके पास एक और कॉलम ऐड हो गया दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। अब डेफिनेटली आप कहेंगे कि जी ये कॉलम जो है वो बिल्कुल राइट साइड पे, अगर मुझे स्पेसिफिकली कहीं सेंटर में इसको लाना हो तो अगेन एक और टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ड्रैग करके उस जगह पर रख सकते हैं, अपने माउस को इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट की पे क्लिक करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे। अच्छा, ड्रैग करने की क्या टेक्निक होगी, देखें इस वक्त जैसे ही मैं अपना माउस होवर कर रहा हूँ इस कॉलम पे तो आपको एक प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ रहा है। तो जब ये साइन बना हुआ आ जाता है आप लेफ्ट माउस की क्लिक करेंगे और देखें आराम से आप इसे ड्रैग कर देंगे जहां आपको इसको प्लेस करना है और वहां आप ड्रॉप कर दें। तो नॉर्थ ईस्ट मेरे पास यहां आ गया और साउथ वेस्ट मेरे पास सबसे लास्ट में। तो अब ये क्लियर है कि जी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की दो अमाउंट्स को प्लस करके ये कॉलम बन रहा है, ठीक है, रॉ वाइज। तो कैंसिल एग्जिस्टिंग और न्यू, ये जो तीन डिफरेंट स्टेटस हैं इनके मुझे सम एक डिफरेंट कॉलम्स में नज़र आते हैं। अच्छा, अब हमसे फर्दर कहा गया एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी एक छोटी सी कैलकुलेशन क्रिएट करते हैं। हमें ये निकालना है कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, तो कितनी परसेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली न्यू पॉलिसीज़ को हमें यहाँ पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस फिल्टर मेन्यू से न्यू को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी इसको अनचेक कर देंगे, तो इसका मतलब अब हमारे इस पिवट टेबल में न्यू पॉलिसीज़ का काउंट नहीं है। अब हमारे पास कैंसिल और एग्जिस्टिंग है और हमें ये देखना है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ और कैंसिल पॉलिसीज़ का जो नंबर है रीजन वाइज, उस रीजन वाइज मुझे एक रॉ क्रिएट करनी है, एक न्यू रॉ क्रिएट करनी है जिसमें मुझे परसेंटेज पता चले कि कितना परसेंट कैंसिल हो चुकी हैं पॉलिसीज, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला ऐड करना होगा और उसको करने के लिए इस मरतबा मैं यहाँ पर रॉ लेबल्स के अंदर किसी न किसी टाइटल पर मौजूद हूँ,
ठीक है, और फिर मैं जाऊंगा फील्ड्स एंड आइटम्स एंड सेट्स के फीचर के अंदर, और मैं यहाँ क्लिक करूँगा कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेटेड आइटम पर क्लिक करने के बाद जो है वो सबसे पहले हम नाम डिफाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल कैंसिल परसेंटेज, ठीक है, कैंसिल परसेंटेज मैंने यहाँ लिख दिया। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा कैंसिल, ठीक है, सी एन सी एल कैंसिल, ठीक है, और देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को क्लियर करें, मैंने कैंसिल यहाँ दो मरतबा लिखा हुआ है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग डिफरेंट स्पेलिंग्स लिखते हैं तो उसको करेक्ट भी करना पड़ता है, एक ही फील्ड बनाना पड़ता है, तो ये सारे चीज़ें फैक्टर्स कंसीडर आपको करने होंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर कैंसिल दो मरतबा लिखा है, बट द राइट वन इज़ सी ए एन सी ई एल, ठीक है। सो जनाब कैंसिल की फील्ड को हमने यहाँ पिक किया, एक फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट ओपन कैंसिल प्लस एग्जिस्टिंग, ठीक है, और उसको कर देंगे ऐड और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेटेड आइटम आपके पास ऐड हो जाएगी, आपको सब जगह ज़ीरो नज़र आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर रॉ का फॉर्मेट चेंज करना होगा, तो हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, होम टैब में जाके इसको करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज करने के बाद लेट्स से अगर आपको वन डेसिमल प्लेस तक देखना है तो यू कैन चेक दैट। अब इस वीडियो का सबसे क्रिटिकल पार्ट जो मुझे आज एड्रेस करना है वो ये है कि अगर आप ये देखें कि नॉर्थ ईस्ट की अगर एनालिसिस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जी 5.8% जो है वो पॉलिसीज कैंसिल हुई है आउट ऑफ एग्जिस्टिंग, ठीक है, और साउथ वेस्ट की बात करें तो 2.7% कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसीज इज देयर। सो हमें नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के रीजन को देखना पड़ेगा कि क्यों इतनी ज़्यादा कैंसिलेशंस हो रही हैं पॉलिसीज़ की, ठीक है। अच्छा जी, अब इशू क्या आ सकता है जो काफ़ी यूज़र्स को आई माइट भी नहीं पता हो, लेट सपोज अभी हमने कुछ इक्वेशंस क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें हमने कितनी इक्वेशंस क्रिएट की, कितने फार्मूलाज प्लेस किए हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स के थ्रू या कैलकुलेटेड आइटम्स के थ्रू, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फीचर मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट फार्मूलाज। तो जब मैं लिस्ट फार्मूलाज पे क्लिक करूँगा तो आपके पास देखें क्या आ गया, आपके पास एक्सेल ने आपको एक न्यू शीट इंसर्ट करके दे दी और वो आपको एक समरी शीट प्रोवाइड कर रहा है कि आपने कितनी कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाई हैं। हमने कोई भी कैलकुलेटेड फील्ड नहीं बनाई, हमने कैलकुलेटेड आइटम्स क्रिएट की थी, देख रहे हैं, और वो कैलकुलेटेड आइटम्स में कौन से फार्मूलाज हमने प्लेस किए थे वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इस तरह की समराइज शीट आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक और फीचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज़ सॉल्व ऑर्डर। कि हमने जब ये आइटम्स को क्रिएट किया, जब दो रीजन्स को एक रीजन में कन्वर्ट किया, हमने कैंसिल परसेंटेज को क्रिएट किया, तो अगर मैं सॉल्व ऑर्डर पर जाऊँ और मैं सॉल्व ऑर्डर में अब मैं देखें मैं सॉल्व हमने तीन कैलकुलेशंस क्रिएट की थी ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और को मिलाया था और उसके बाद कैंसिल परसेंटेज निकाली थी। अब अगर मैं इस कैंसिल परसेंटेज को मूव अप कर दूं, ठीक है, और क्लोज प्रेस कर दूं, तो देखें परसेंटेज यहाँ चेंज हो गई। अभी थोड़ी देर पहले साउथ वेस्ट की पोजिशन थी 2.7 की, लेकिन यहाँ आ गया 5.4, नंबर चेंज हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या नंबर है, यहाँ पर इस वक्त क्योंकि मैंने सॉल्व ऑर्डर की सीक्वेंस को चेंज किया तो परसेंटेज यहाँ चेंज हो गई। अब मैं अगेन जाता हूँ फील्ड्स आइटम्स एंड सेट्स पे सॉल्व ऑर्डर पे और जो लास्ट इक्वेशन है परसेंटेज वाली उसको मूव डाउन करता हूँ और क्लोज करता हूँ, तो आप देखें 5.4 से ये 2.7 हो गई। तो ये बड़ा क्रिटिकल है कि जब एक्सेल के यूजर्स पिवट टेबल्स के अंदर चाहे वो कैलकुलेटेड फील्ड्स आइटम्स को यूज़ करें तो देखें कि आपका जो सॉल्व ऑर्डर है वो किस सीक्वेंस में, अगर आपने सॉल्व ऑर्डर में गड़बड़ कर दी तो आपके आंसर्स आपकी परसेंटेजेस चेंज हो जाएंगे और हो सकता है कि आप गलत रिपोर्टिंग कर दें। तो इट्स बेटर कि टू अंडरस्टैंड दीज फीचर्स इज वेल व्हेन यू कैलकुलेट आइदर कैलकुलेटेड फील्ड और आइटम्स। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ बड़ी अच्छी सी, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मैनेजर सीनियर मैनेजर मुझसे ये कहते हैं लेटर ऑन कि आप एक काम करें आप सेंट्रल को इसमें ऐड कर दें, तो हमें पता था कि सेंट्रल को हमने हाइड करके रखा है, राइट, तो हमने सेंट्रल को यहाँ से इनेबल किया और मेरे जो मैनेजर है वो कह रहे हैं कि सेंट्रल और वेस्ट इन दोनों को मिला के एक फील्ड इंसर्ट करो, इसके अंदर एक आइटम इंसर्ट करो, ठीक है। तो मुझे एक कॉलम चाहिए जिसका नाम होगा सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल के नंबर्स और वेस्ट के नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे और एक नया कॉलम आ जाएगा, तो ठीक है ये आसान है हम करते हैं इसको। और
मैं बताता हूँ कि क्या मिस्टेक हो सकती है. सो हम जाएंगे कैलकुलेटेड आइटम की तरफ और एक और आइटम क्रिएट करेंगे, दैट विल बी सेंट्रल वेस्ट. तो सबसे पहले आपने नाम डिफाइन किया, इसके बाद आपने फार्मूला में सेंट्रल पे डबल क्लिक किया, प्लस का साइन ऐड किया, वेस्ट पे डबल क्लिक किया और उसको ऐड पे ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया और ओके प्रेस कर दिया. तो सेंट्रल वेस्ट मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया. ठीक है, अब अगर हम सॉल्व ऑर्डर में जाएं और देखें कि जी इस वक्त मैंने सेंट्रल वेस्ट, यानी पहले मैंने दो रीजन्स बनाए थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और फिर कैंसिल परसेंटेज. लेटर ऑन क्या हुआ कि और रिक्वायरमेंट्स आ गई, हमने और कैलकुलेशन आइटम्स ऐड कर दी, इस मरतबा नया रीजन बनाया सेंट्रल वेस्ट के नाम से. तो इस वक्त सेंट्रल वेस्ट का परसेंटेज आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 6.1%. अब डेफिनेटली जब आप सीनियर मैनेजर्स को कोई नंबर रिपोर्ट करते हैं तो आप एक क्रॉस चेकिंग भी करते हैं कि क्या मैंने जो कैलकुलेशंस बनाई हैं वो ठीक है या नहीं है. अगर आपने ठीक नहीं बनाई होंगी तो डेफिनेटली एक्स वाई जी जो कोई भी सिचुएशन अकर हो सकती है, क्योंकि नंबर बड़े क्रिटिकल होते हैं. तो इसको देखें, अगर सॉल्व ऑर्डर के अंदर मैं ये कहूँ कि जी ये जो कैंसिल परसेंटेज है ये हमेशा एंड में होना चाहिए, रीजन्स जितने मुझे बनाने हैं वो सबसे पहले हों और उसके बाद जो भी फर्दर कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो हमेशा लास्ट में हो. तो अभी अगर आप नंबर देखें सेंट्रल वेस्ट में वो है 6.1%. तो अगर मैं सॉल्व ऑर्डर में जाके इस कैंसिल परसेंटेज को मूव डाउन करता हूँ और जैसे ही मैं क्लोज प्रेस करता हूँ तो आप देखें क्या हो गई परसेंटेज, 2.9%. दिस परसेंटेज इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, ये 2.9 ही होनी चाहिए थी, ये दैट शुड नॉट बी 6.1. तो ये बड़ा क्रिटिकल होता है कि आपने सॉल्व ऑर्डर को कैसे मैनेज किया हुआ है, और मेक श्योर कि आप इस की समरी लिस्ट बना के रखें कि कितनी आपने कैलकुलेशंस की हैं और किस तरह से की हैं. ठीक है, सो आई होप आपकी काफ़ी हद तक अच्छी लर्निंग रही होगी कि कैलकुलेटेड आइटम्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और सॉल्व ऑर्डर जो है वो बड़ा क्रिटिकल है. मेक श्योर कि आप अगर इन फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रॉपरली क्रॉस चेक किया करें अपने नंबर्स को. और आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, इसको जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकें प्लीज़ शेयर करें, और साथ ही साथ एक्सेल बेसमेंट की वेबसाइट को विज़िट करें, ब्लॉग्स और फोरम्स को विज़िट करें. हमारा यूट्यूब चैनल मौजूद है जहाँ पर आप बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स, पावर बी आई कोर्स को बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं. हम वीकली बेसिस पे इन चैनल्स को अपडेट करते हैं, प्लस वी आर नाउ लाइव विद आर वेबसाइट एज वेल, सो यू कैन रीड अ लॉट ऑफ ऑसम आर्टिकल्स एज वेल ऑन आर वेबसाइट. यू कैन ज्वाइन फॉरम एज वेल वेर वी हैव अ कम्युनिटी जस्ट क्रिएटिंग एंड न्यू यूजर्स आर कमिंग इन. सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.